जैसे एक बार जुकाम लग गया तो हर मतलब 15 मिनट में 6 बार छींक आता था। अब 15 मिनट के लिए, अब 15 मिनट के बाद फिर नाक बंद होना, नाक में जलन होना, फिर आँखों से पानी निकलना, लार बनना, खांसी थोड़ी थोड़ी ऐसे होना, तो इस तरह होता था। लेकिन जो नाक बहता है वो भी नहीं बहना बह रहा है। नाक का भी और आँख का भी थोड़ा खुजली कम हो गया है। अगर आप भी नज़ले के पेशेंट हैं, यानी आपको भी एलर्जी की प्रॉब्लम है, साथ में आपको साइनसाइटिस की प्रॉब्लम है, यानी साइनस की प्रॉब्लम आपको है, सांस लेने में तकलीफ आपको हो रही है, छाती से आवाज़ आपको आ रही है, यानी दमा की आपको तकलीफ है, तो ये वीडियो आपके लिए। क्योंकि आज हमारे साथ पेशेंट जो हैं, इनकी एज है 32 और पिछले 11 साल से परेशान थे और ट्रीटमेंट इन्होंने अलग अलग जगह करवाया और बड़ी दूर से आए हैं। असम से ये बिलोंग करते हैं, इंडिया के उस कोने से, और यहाँ हरियाणा में ये ट्रीटमेंट के लिए आए। तो हम जानते हैं पहले पेशेंट से कि क्या क्या उनको तकलीफ थी और यहाँ आने के बाद में उनको क्या क्या चेंजेस लगे हैं। मेरे को प्रॉब्लम बस नज़ले की थी, जैसे जुखाम सिर्फ लगना, हफ्ते में एक बार लगता था। तो पहले तो 10 दिन 12 दिन में लगता था, ये रेगुलर होने के कारण बाद में जब मतलब 6 दिन या 7 दिन जैसे होता है उसी तरह ये तुरंत हावी हो जाता है। मतलब हाँ, पूरा दिन में मतलब मान के चलिए 100-200 से कम नहीं होता था। ठीक है, पूरे दिन में 200 छींक। हाँ, तो इसमें होता था जैसे अब सुबह जैसे एक बार जुकाम लग गया तो हर मतलब 15 मिनट में 6 बार छींक आता था। रूटीन में ऐसा होता था हाँ आपके साथ? बिल्कुल, 6 बार से कम नहीं होता था। हमारे दोस्त लोग गिनती करते थे, मतलब मैं जैसे छींकता था तो वो लोग एक दो करके मतलब काउंट रेगुलर करते हाँ काउंट करते थे। उसके बाद फिर 15 मिनट के लिए बस हो गया, लेकिन उसमें खुजली जाता होता अब 15 मिनट के लिए। अब 15 मिनट के बाद फिर नाक बंद होना, नाक में जलन होना, फिर आँखों से पानी निकलना, लार बनना, खांसी थोड़ी थोड़ी ऐसे होना, तो इस तरह होता था। सांस की तकलीफ जो है वो आपको कब से स्टार्ट हुई थी? सांस को तो ज़्यादा नहीं हुआ है, जैसे वो सांस मतलब ज़्यादा वो होने वाला तो 2 साल मैक्सिमम हो गया, अभी 2 साल से। 2 साल से। और जो और एलर्जी की प्रॉब्लम है वो कितने टाइम से थी आपको? वो तो जो नज़ला जो जुकाम लगता था वो तो 11 साल हो गया 11 साल जी, से। 2009 या 10 से है। जैसे मैं उस समय इलाहाबाद पे था तो ठीक है। उस समय से पहले दिन पूरा आँख में खुजली हो गया, फिर क्या हो गया बोल के अब चौक गया, फिर गया आयुर्वेदिक दवाई की तो दिए खाने के लिए कुछ टेबलेट उबलेट, ऐसे ऐसे कुछ नहीं हुआ उसमें। फिर इसी तरह चलता गया चलता गया। अब दवा खाओ तो ठीक होता है, ना खाओ तो भी ठीक होता है। तो बाद में मैंने ये 2 साल से दवा भी छोड़ दिया खाना दवा परेशान होके जी। दवा अब यहाँ जब वीडियो देखा तो यहाँ डॉक्टर जी ने जब बोला कि दवा खाने से भी ठीक हो जाता है, ना खाने से भी ठीक हो, मैंने ट्राई किया देखा तो जैसे अब दवा खा लेता हूँ तो ठीक हो जाता है, लेकिन वो खुद जो होता है वो थोड़ा रहता है। और जैसे अब दवा ना खाया तो सुबह से स्टार्टिंग हुआ, कभी सुबह को होता है कभी शाम को होता है अच्छा, अभी आपकी यहाँ पे 7 सीटिंग आपकी हो चुकी है, जी। तो अभी आपको इन दिनों में छींके आई है कुछ? अब छींके तो आज सुबह भी आया था 5 बार, लेकिन जो नाक बहता है वो भी नहीं बहना बह रहा है। ठीक जैसे है। यहाँ 2 दिन हुआ था शिफ्ट, मतलब जैसे आया 2 दिन के उसमें हुआ था थोड़ा, तो उसमें जैसे मान के चलिए जितना होना चाहिए था उससे कम हुआ, मतलब कितना जुकाम। अगर हम बात करें कि आपकी जैसे प्रॉब्लम तो आपकी जो है वो 11 साल पुरानी है, तो और सीटिंग आपकी अभी 6 हुई है, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में बताया गया था कि आपकी ऑलमोस्ट 25 से 40 सीटिंग के अप्रोक्स आपका होगा, ठीक है, और सीटिंग अभी तक आपका 6 7 7 सीटिंग अब तक हुआ है। तो अभी 7 सीटिंग में क्या क्या कितना आप अगर ऑल ओवर बात करें तो कितना आपको चेंज लग रहा है? अभी तो काफ़ी है, तो जैसे यंत्र का हो गया, फिर उसके बाद ये नाक का भी और आँख का भी थोड़ा खुजली कम हो गया है। ठीक है। तो आप और यहाँ की ट्रीटमेंट से सेटिस्फाई हैं? जी मैं उसीलिए तो आया था यहाँ, मतलब देख के मतलब कुछ होगा, क्योंकि बाहर जाते हैं ना तो वहाँ पे जैसे अब ऑपरेशन करना पड़ता है, तो ऑपरेशन से
थोड़ा मुझे ऑपरेशन करने की इच्छा भी नहीं थी बिल्कुल, और इसलिए मैं उसी को देख के यहाँ आया। तो अगर आपको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है जिसमें आपको नज़ला एलर्जी या साइनस रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप विजिट कर सकते हैं हमारे सेंटर पे, गुड़गांव में और हिसार में, दो जगह हमारे क्लिनिक है। अगर असम में कहीं है तो बोल दीजिए। असम में तो नहीं है, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि असम में अगर है तो बताइए। असम में नहीं है, लेकिन असम के लोग ये कर सकते हैं कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू डायरेक्ट 1-to-1 हमसे बात कर सकते हैं। और यहाँ से जो मैग्नेट्स आप देख रहे हैं दिखाई हाथ में, जो मैग्नेट्स इनको लगाए गए हैं अलग अलग पॉइंट्स पे, इन मैग्नेट्स को कैसे लगाना है और कैसे आप इनसे अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं वो हम आपको बाय वीडियोस के थ्रू, यानी वीडियोस का पूरा कोर्स आपको सेंड किया जाएगा और जो मैग्नेट है यहाँ से कुरियर कर दिया जाएगा, तो उससे आप अपना ट्रीटमेंट है वो कर सकते हैं। तो अगर आपका आना पॉसिबल नहीं है तो आप उससे भी अपना जो हमारी किट है उसको लेकर भी आप अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये अच्छा ऑप्शन है अगर किसी का पॉसिबल नहीं है तो उनके लिए। जो छींकें जिनको ज़्यादा आती है, नाक ज़्यादा बहती है, वो उनको मैं बताना चाहूँगा कि वो यहाँ नाक के पास से जो पॉइंट्स होते हैं हमारे अलाइट 20 करके एक पॉइंट होता है, आप इस पॉइंट को प्रेस करेंगे दिन में, अगर आपको छींकें ज़्यादा आती है, नाक ज़्यादा बहती है, नाक बंद ज़्यादा रहती है, तो आप यहाँ से इस पॉइंट को प्रेस करेंगे। साथ में अगर नाक बहने की प्रॉब्लम ज़्यादा है, नाक बंद रहने की प्रॉब्लम ज़्यादा है, तो आप यहाँ एकदम दोनों आईब्रोज के सेंटर से यहाँ से इस पॉइंट को आप प्रेस करेंगे। तो जो पेशेंट देख रहे हैं या जिनका आना पॉसिबल नहीं है तो तब तक आप वो इन चीज़ों को स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, जैसे अब मतलब छींके यहाँ दबाना है, यहाँ दबाना है, नाक ज़्यादा बहता है तो यहाँ भी दबाना और यहाँ भी दबाना है सेंटर में, ठीक है, यहाँ यहाँ सेंटर में, ठीक है। तो इन पॉइंटों को आप अपना दबा के आपको कुछ इसमें राहत मिलेगी अगर आपकी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है। अगर आपको लंबे समय से प्रॉब्लम है, सीवियर प्रॉब्लम है, एलर्जी लेवल बहुत ज़्यादा है, साइनस आपके साथ में ब्लॉक है, तो फिर आपको थोड़ा सा टाइम इसमें एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आपको प्रेस करने पड़ेंगे, बट कुछ आपको राहत इसमें मिलेगी अगर आप इसको फॉलो करते हैं। दूसरा, अपनी बॉडी को वार्म रखना है, आप जिम कर सकते हैं, आप कोई एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप रनिंग कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, जल नेति वगैरह ये आप इंक्लूड कर सकते हैं। ये थे हमारे साथ पेशेंट निपिन कुमार, और इनको था एलर्जी की प्रॉब्लम, साथ में साइनसाइटिस की प्रॉब्लम और साथ में दमा की प्रॉब्लम, तीन प्रॉब्लम एक साथ थी। तो अगर ऐसी ही प्रॉब्लम आपके साथ है तो आप विजिट कीजिए, नीचे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, आपको अगर एड्रेस चाहिए, आपको कुछ कॉन्टैक्ट करना है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बता सकते हैं जो आपको जानकारी चाहिए। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं आप, तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को शेयर करें और लोगों तक पहुँचाएँ जो परेशान रहते हैं एलर्जी से या एलर्जी जैसी और समस्याएँ जैसे साइनस है, दमा है, उनसे या पेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो उनको उससे। थैंक यू।